राधे राधे। तो हम सब बाय बाय राधे राधे, हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं पहाड़ पे। राधे राधे गाइस, हम लोग को मजा आएगा। देखो हम तो इधर देखिए, हम सब जा रहे हैं और उधर गाड़ी भी आ गई है। हम सब कौन सी गाड़ी आई है? तो मम्मी क्या कर रही हो? अभी हम लोग पहाड़ नहीं पहुंचे हैं, ये है खदान। वाह क्या सीन है। कितना सुंदर लग रहा है ना। क्या क्या बोलते हैं आप? सच बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत मृत्यु हो चुका है बहुत बार। तो वहां से निकलने के बाद हम लोग इधर आ गए हैं और हम लोग ये पहाड़ पे एकदम ऊपर चढ़ने वाले हैं और आप लोगों को झरना दिखाएंगे ऊपर चढ़ने के बाद। देखिए इधर साइड में भी एक तालाब है और इससे आगे भी एक तालाब है जहाँ पे सिर्फ कमल फूल एकदम भरा हुआ है तालाब में, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले चलिए मैं पहाड़ आप सबको ले। अभी हम लोग जा रहे हैं झरना देखने के लिए, आगे में झरना है। बहुत ज्यादा सब लोग थक चुके हैं। हट अपना खींचो कि दूसरा का काम। छाया में चलो बैठ बैठ के सब ग्रुप में खींचाएंगे। चलो हम लोग पहले बैठना शुरू करते हैं। यही पे ना, यही तो छा है ऊपर से। अरे जरा मौसी फोटवा खींचो। ए मौसी बोली क्या हमरा छोड़ दे, आइए इधर। कहा स्वेटर नहीं है। तो यहाँ हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर और देखिए जगह जगह पे इस तरीके का बैर मिल रहा है हम सबको। और देखिए यहाँ से कितना सुंदर नजारा लग रहा है देखने में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे गांव का पहाड़ है जहाँ मेरा बचपन बीता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा बैर है सब जगह, और भी बहुत सारा बैर है। चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो हम लोग सब अंदर जा रहे हैं और बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग और अभी बहुत थक भी गए हैं हम सब। तो देखिए यहाँ भी काला काला सा बैर है, ये भी बहुत ही अच्छा बैर है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा देखने में यहाँ से। देखिए हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। इधर मेरा बेटा भाई सब घूम रहा है यहाँ पे और अभी हम लोग को बहुत ही ऊपर जाना है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। इतना हमने आगु की पढ़ी फायदा हलो उटा इने जो आला रहतन की ना ईटा हमने कखनी उतरी पार हलो अरे उधर से आले ना रोसा के हम देखावे होने रहतो हमने चढ़ा देले के ना ओटा गलत हो। रख लो दोनों पैकेट में, लो लो वीडियो बना दिए अंशु। नहीं आएंगे जा पैदल भगवान जी। बढ़िया लग रहा है क्या? हाँ बढ़िया लग रहा है। हाँ गजब लग रहा है, हमको लग रहा है एक घंटा बैठे हैं। नहीं एक घंटा काफ मूसा जी का नौकरी रहता है। ए सर ए प्रिंस घर में चलो, उधर जा रहे झरना के पास, क्या कर रहे हैं? ए दीदी सर थक गई मत इधर। अरे हाय बोल, हाय एक मिनट। ओ बाबू रुक रुक अबे वीडियो बना कर रही है। तो देखिए दोस्तों हम लोग एकदम ऊपर आ गए हैं पहाड़ की, एकदम ऊपर वाली गोल वाली चोटी पे पहुंच चुके हैं हम सब और हम सब बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। इसके पीछे साइड झरना है और अब हम लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे और हम लोग अब यहां से फिर नीचे उतरने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
तो हम सब एकदम चोटी पे चढ़ के कुछ कुछ नाश्ता कर लिए। मेरा भाई लोग बहुत कुछ नाश्ता लेके आया हुआ था, तो हम सब मिलके नाश्ता कर लिए और उसके बाद फिर हम सब कंटिन्यू नीचे उतरने के लिए चल पड़े हैं। यहाँ पे हम सब की बहुत ही तबीयत ख़राब हो चुकी है, थक चुके हैं सब, और अब घर जाएंगे हम लोग और उसके बाद फिर हम सबको कल देवघर भी निकलना है। ये सारी वीडियो छठ पूजा के समय की थी जो कि मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई थी आप सबके साथ, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि ये यादगार मोमेंट यूट्यूब में कैद रहेगा और ऐसे मेरे मोबाइल में डिलीट हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो डाल दे रही हूँ ताकि आप सब भी मेरे गांव का नज़ारा देख सकें और मैं भी बाद में कभी ये खोल के देखूंगी। मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी देखा करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ बाप बेटा अपनी तस्वीर ले रहे थे, ये मेरा शौर्य है और उसके पापा हैं। चलो देखो इधर, यहाँ बच्चों की भी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, अब हम सब नीचे उतरने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए हम सब आधा दूर तक नीचे आ चुके हैं और बहुत कोई आगे बढ़ चुकी हैं, हम सब पीछे ही रह गए हैं और हम सब भी अब जल्दी जल्दी से नीचे उतरेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है सबकी। और हम सबको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, हम लोग बहुत ही सुकून से बैठे एक घंटा ऊपर छांव में, बहुत ही अच्छा लगा हम सबको यहाँ पे पूरा फैमिली एक साथ, अच्छा तो लगता ही है। और ये सब पल बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं हम सबको। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे एवरीवन।